इस पचड़े में मत पड़ो, शब्द सार पचड़ा। ये पचड़ा शब्द जो आपने सुना होगा बहुत आम बोलचाल की भाषा में आता है, जब कहीं कोई झगड़ा वगैरह होता है या कोई ऐसी चीज होती है जहाँ कोई वाद विवाद होता है तो अक्सर ये कहा जाता है, भाई मैं इस पचड़े में नहीं पड़ रहा, तुम पढ़ो भाई इस पचड़े में। इस पचड़े में पढ़ने की जरूरत क्या थी? पचड़ा पचड़े, ये जो पचड़ा शब्द है ये पाली भाषा से बना हुआ शब्द है, इसका मतलब है पंचचर्या। पंचचर्या, पचड़ा पंचड़ा पचड़ा पंचचर्या पंचचर्या और पंचचर्या या पंचशील चर्या, यानी पंचशील की जो आचरण करते थे, पंचशील की जो चारिका करते थे, जो पंचशील पे चलने वाले लोग थे, उसका ये बिगड़ा हुआ अभ्रंश रूप है जो आज की डेट में पचड़ा है। यानी कि जो पंचशील की चर्या में पड़ गया वो आदमी निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया, सारे दुखों से दूर हो गया, सारे कष्टों से मुक्त हो गया, जीवन में शुद्ध हो गया, अच्छा हो गया, देश के लिए तरक्की वाला हो गया, देशभक्त बन गया, राष्ट्रभक्त बन गया, ना चोरी करेगा, ना चकारी करेगा, ना शराब पिएगा, ना किसी को परेशान करेगा, ना किसी की चीज़ लेगा, ना किसी का पैसा मारेगा, मेहनत का खाएगा, मेहनत का पिएगा, सीधा बोलेगा, कभी किसी से झगड़ा करेगा नहीं, व्यभिचार करेगा नहीं। ये पंचशील की जो चर्या वाले लोग थे, ये पछड़ा पड़ना इसी में कहते हैं, यानी कि जो पछड़े में पड़ गया वो शुद्ध हो गया। बाद में पंचशील चर्या वाले लोगों को हरेस करने के लिए, क्योंकि उनकी एजुकेशन चली गई, बाद में उनको बदनाम किया गया, उनके भिक्कों को मारा गया, उनको यहाँ से हटाया गया, सारे धर्म को लुलुप किया गया, और जो पंचचर्या वाले लोग थे इस पंचचर्या शब्द को बिगाड़कर पंचचर्या हुआ, पंचचर्या हुआ, फिर पंचचर्या पचड़ा, फिर पछड़ा, फिर ये पछड़ा बन गया। ये सिंपल सी पछड़े की और पंचशील चर्या की कहानी है, पंचशील आचरण यानी कि पछड़ा। अब आप पछड़े में खूब पढ़िए, आपको पछड़े में पढ़ना है। जब तक आप पछड़े में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कष्ट दूर नहीं होगा, तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पछड़े में पड़ जाइए। धन्यवाद।